वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो वीडियो रहेगा वो सब आप लोगों को पता ही है, मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, वो भी आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें ताकि मेरे 1 मिलियन बहुत ही जल्दी हो जाए। तो आज का जो वीडियो रहेगा, जो आप सबको मैंने अभी बोला, वो Q&A वीडियो रहेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और कमेंट सेक्शन में भी हमेशा मुझे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा इससे ज़्यादा स्पेशल वीडियो रहेगा नहीं कोई कि मैं आप सबके क्वेश्चन का जवाब दूँ आज। और बहुत सारे लोगों ने मुझे डियर दिए थे, जो कि मुझे अभी पता नहीं है मैं कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ। फिलहाल ये एक Q&A वीडियो है, तो मैं सबके क्वेश्चन का जवाब देना ही प्रेफर करूँगी सबसे पहले। तो टाइम ज़ाया किए बिना ही चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है, जो कि अभी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, वो ये क्वेश्चन है कि आप फेस कब रिवील करेंगी, आप अपना फेस कब दिखाएंगी, आप अपना फेस कब दिखाएंगी। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं मुझे फेस के रिलेटेड, मेरा फेस कि मैं अपना फेस शो करूं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब मुझे परमिशन सही से मिल जाएगी फेस दिखाने की, तब मैं फेस दिखाऊंगी। और आप लोग, मेरे हिसाब से मुझे 1 मिलियन पे फेस दिखाना चाहिए, तो वो सही रहेगा। आप लोग सपोर्ट करो, 1 मिलियन हो जाए मेरे, तब मैं फेस रिवील करूँगी। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, ये उनका फ़ायदा है। सब लोग ये बोल रहे हैं कि मेरी चैनल को प्रमोट करो, मेरे चैनल का नाम लो, मेरी चैनल ऐसे, मेरी चैनल वैसे। तो मैं बता देती हूँ, ये वीडियो मेरा Q&A का था। जिन लोगों ने भी मुझे प्रमोशन के लिए बोला है, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM करो ताकि मैं उनकी प्रमोशन कर दूँ। अगला क्वेश्चन जो है वो मुझे पूछते हैं फुरकान शफ़ी, न्यू यूट्यूबर्स के लिए कुछ बोलो। तो न्यू यूट्यूबर्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि अपने काम पे फोकस करो, अपना बेस्ट दो, बाकी दुनिया का क्या है, बातें तो करते हैं सब, जिनको कुछ भी नहीं आता वो बातें ही करेंगी ना ओबियसली। तो अपने काम पे फोकस करें और आप अपने आप पे भरोसा रखें कि आप सही कर रहे हो, बाकी जो बोलता है उनको बोलने दो। तो अगला क्वेश्चन जो है मेरा, वो इर्तुगुल गाजी फ़ैन का क्वेश्चन है, फेवरेट मूवी, फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट यूट्यूबर, ड्रीम क्या है। फेवरेट मूवी मेरी है बागवान, मेरी दादी की फेवरेट मूवी है, उस हिसाब से मैंने वो 1000 बार देखी होगी दादी के चक्कर में। तो जब मैं वो देखती हूँ मुझे नई लगती है हर बार, फेवरेट मूवी वही है। फेवरेट सॉन्ग, अभी अभी बटर रिलीज़ हुआ है BTS का, तो फ़िलहाल तो वही मैं सुन रही हूँ, वही फेवरेट है। फेवरेट यूट्यूबर शाहिद जाफरी। ड्रीम क्या है, ड्रीम मेरा है कि सब मुझे मेरे नाम से जाने और मेरे नाम को इज्जत से जाने। तो अगला क्वेश्चन है इट्स लीजान का, ये मुझे बोलते हैं आप यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहती हो। यूट्यूब एक पार्ट टाइम प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से, इसमें बंदा पार्ट टाइम कर सकता है, करियर क्या बनाएंगे इसमें मेरे हिसाब से ये चीज़ है। तो यूट्यूब में मेरा कोई करियर नहीं है, मेरा कुछ और मोटो था यूट्यूब पर आने का। अगला जो क्वेश्चन है वो है मीर उमर 1 का, वो मुझे बोलते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है। जी जी है है मेरे टूथपेस्ट में नमक। अगला जो क्वेश्चन है वो है MHY.6612 का, ये लिखती है आप कितने इयर्स की हो, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और आप क्या करना आपको क्या खाना अच्छा लगता है। शायद ये लिखना चाहती हैं, ये इनकी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मेरा, मैं कितनी साल की हूँ, मैं हूँ 19, अभी पूरी 19 नहीं हुई, 19th ईयर मैं ही चल रही हूँ अभी। उसके बाद है इनका फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। उसके बाद खाने में अच्छा क्या लगता है, दाल के बिना सारा कुछ मैं खा लेती हूँ, दाल मैं नहीं खाती। उसके बाद क्वेश्चन आता है इरू इरफान का, इन्होंने लिखा है जब आपने पहला वीडियो अपलोड किया तो उस टाइम आपकी फीलिंग कैसी थी। जब मैंने जब पहला वीडियो अपलोड करा, मुझे पता नहीं था मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। पहले ही हफ्ते में मुझे 1K कंप्लीट हो गए, शायद 5-6 डेज़ में मेरे 1K कंप्लीट हो गए। उसके बाद मुझे तरक्की 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 मिलती ही गई, और 2 मंथ्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, 2 मंथ्स में ही मेरे 10K कंप्लीट हो गए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि फीलिंग कैसी रही होगी मेरी। पहला जो वीडियो था तब मुझे नहीं पता था इतना सब हो जाएगा। अदरीस मीर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है, बेस्ट लाइफस्टाइल व्लॉगर इन कश्मीर एंड व्हाई। तो बेस्ट लाइफस्टाइल व्लॉगर जो हैं वो आप हैं मेरे, मुझे आप पसंद हैं लाइफस्टाइल व्लॉगर्स में से जो भी कश्मीर में हैं। और क्योंकि
आपने क्यों पूछा है, तो इस क्यों का जवाब ये है कि आपकी व्लॉगिंग बेस्ट है, क्वालिटी ज़बरदस्त है, और जब आपका वीडियो हम देखते हैं हमें कोई वो शर्म महसूस नहीं होती, हम बड़ों के सामने देखें छोटों के सामने देखें, क्योंकि आपकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा सही रहती है हर वीडियो में, आपका तरीका बोलने का बहुत ही सही रहता है, और आपका वीडियो कोई भी देख सकता है बिना किसी डर के, कोई भी वीडियो देख सकता है आराम से किसी के सामने भी, तो इसलिए आप बेस्ट है। अगला क्वेश्चन है आई एम अस्मा ऑफिशियल की तरफ से, ये मुझे पूछती हैं वेयर आर यू फ्रॉम, कश्मीर में किधर, क्लास व्हाट्स योर एज। तो कश्मीर में मैं बारामूला से हूँ, क्लास मैं डिप्लोमा कर रही हूँ, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में हो गया मेरा कंप्लीट, अब बीटेक करूँगी इंशाल्लाह। व्हाट्स योर एज, वो मैंने पहले ही बोला। शेख तनवीर 4 पूछते हैं व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर, मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। शेख तनवीर 4 मुझे ये भी पूछते हैं व्हाट रियली मेक्स यू एंगर, मुझे तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब एक तो मैं सही होती हूँ, ऊपर से एक बारी मैंने बोला भी कि मैं सही हूँ, फिर से जब बार बार वो चीज़ रिपीट होती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्सा सबसे हाई लेवल का होता है मेरा। फोटोग्राफर मुझे पूछते हैं व्हाट इज़ द एक्चुअली पर्पज़ ऑफ व्लॉगिंग, तो व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट करी ऐसे ही शौक के लिए, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं कश्मीर के बाहर जो लोग हैं उनको कश्मीर की खूबसूरती दिखाऊं, कश्मीर की नॉर्मल ज़िंदगी दिखाऊं, और भी बहुत कुछ, और मैं एनजीओ बहुत सारे एनजीओज बहुत सारे ट्रस्ट खोलना चाहती हूँ, तो उसके लिए थोड़ा फेम थोड़ा सपोर्ट वो ज़रूरी है, तो फेम नहीं भी हो चलेगा लेकिन आप लोगों का सपोर्ट होना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया। के बाद जो मुझे क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन बहुत ही फनी है बट मुझे अच्छा लगा, तो सैयद रायबान कादरी मुझे पूछते हैं जी आप कितना खाना खाती हैं। मैं खाना बहुत ज़्यादा खाती हूँ बट मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, मैं तो भी सूखी सूखी सी हूँ बट मैं खाना बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो इसके बाद जो चीज़ है वो क्वेश्चन है इमिनर की तरफ से, मुर्तज़ा की तरफ से, वो मुझे बोलते हैं कि मैंने बोला था व्हाट्सएप पे कि एनी क्वेश्चन फॉर 10K स्पेशल, तो इन्होंने मुझे लिखा है हाँ ये मत बोलना वीडियो में कि शावी जाफरी को देख के व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो ठीक है मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने उनको देख के व्लॉगिंग स्टार्ट की। ये सही है इमिनर। अगला जो क्वेश्चन है वो बासित की तरफ से है, तो बासित मेरे कॉलेज मेट हैं, वो मुझे बोलते हैं एक यादगार बात, तो एक यादगार बात मुझे हमेशा ये चीज़ याद आती है कि जब बासित से मैं पहली बार मिली थी तब मेरे साथ मेरी बहन भी थी, मेरा एडमिशन होने वाला था मेरे कॉलेज में, तो बासित को दी ने बोला था कि इसका ख्याल रखना अपनी छोटी बहन समझ के, तो वो चीज़, और बासित ने सही में मेरा बहुत ख्याल रखा है कॉलेज में, तो वो चीज़ मुझे याद है। तो अगले बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मैं नहीं दे पाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब मैं लूँगी एस जे आमिर का, इन्होंने मुझे डेयर दिया हुआ है कि अपनी फ्रेंड को प्रैंक कॉल करो, और इन्होंने एक और डेयर भी दिया है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड ये कुछ बड़ा इन्होंने दिया हुआ है कि स्पून दो स्पून नमक डालो, पता नहीं क्या करो, ये कल दो मुझसे नहीं होता वरना मैंने वीडियो नहीं बनाया होता, ये मुझे शुरू वीडियो, तो प्रैंक कॉल मैं करती हूँ अपनी फ्रेंड को, तो देखती हूँ क्या सीन रहेगा। और उन्होंने ये भी मुझे बोला है कि उनको बोलना है कि हमें फ्रेंडशिप अब नहीं रहेगी, तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ देखते क्या बोलेगी, तो चलिए इसको कॉल करते हैं और देखते क्या रहता है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हो अच्छे से? जी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपका शोर में मैं शोर में थोड़ा बाहर हूँ अभी, क्यों?
ऐसे ही। अच्छा मैं बोल रही थी कि ये बहुत हो गया, ये फ्रेंडशिप ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमारी फ्रेंडशिप का कोई फायदा ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है हमें फ्रेंडशिप कंटिन्यू करनी चाहिए। हो क्यों, क्या हो गया, नहीं हो गया क्या कुछ, गया पहले फिर? मैं बस ये बोल रही हूँ कि बहुत टाइम से ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, आपका ये सीन रहता है, आप 6-6 महीने बाद मुझे याद करते हो, तो क्या फायदा ही हमारी फ्रेंडशिप का। अच्छा तो अगर मैं नहीं आपको कॉल करती हूँ या मैसेज करती हूँ तो आप ही तो कर सकते हो ना। हाँ लेकिन चलो अब हमारी दोस्ती खत्म। ऐसे कैसे खत्म करोगे, कितने साल हो गए फ्रेंडशिप को? अच्छा नहीं तो अभी खत्म, क्योंकि फायदा नहीं है कोई, और आप इतने दूर रहते हो डोडा में, तो डोडा श्रीनगर मतलब बारामूला बहुत डिस्टेंस भी है, तो क्या दोस्ती का बस, करना। क्या बात है, क्या बात बोली आपने। अच्छी बोली। हाँ बहुत अच्छी है, आपको लगता है अच्छी है। अच्छा ठीक है तो क्या आज बोल, तक आज तक आपको ये ख्याल नहीं था कि मैं डोडा से हूँ? नहीं बस अब रहने दो, आप ज्यादा बातें नहीं करो, आप मुझे बोलो हमारी दोस्ती खत्म। हाँ बोलो हमारी दोस्ती खत्म। हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। आपको पता है हमारी दोस्ती पे इधर मुर्गू ने एक दूसरे को खा लिया था, मुर्गू में जंग हो गया था हमारी दोस्ती को लेके। देखा, मुर्गों को भी ये भी बोल रहे हैं कि मतलब दोस्ती खत्म नहीं करो। क्या हो गया आपको, क्यों बोल रहे हो ऐसी बातें, क्यों कर रहे हो आज आप? मैं ऐसे ही शोक चढ़ा है। हाय हाय, शोक अच्छा पता है चढ़ा। मुझे पता है आप नहीं लोगे इस बात को सीरियस, ये मैंने बस ऐसे ही, मुझे पता था आप ऐसा ही करोगे और आप लंबी बात करोगे, तो अभी मैं आपका ये प्रैंक कॉल था जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो क्या बोलना है आपका। मारो, मेरे साथ ही प्रैंक करना था आपने। हाँ क्योंकि सलमा बिली के साथ अगर मैं ऐसा करती तो वो मुझे घर आके मारते, तो आप भी घर आके मार सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा दूर रहती हूँ ना, तो मैं मुझे लगा मुझे आपको ही फ़ोन करना चाहिए और प्रैंक कॉल करनी चाहिए। बात नहीं, अगर मैं वहां पे भी होती मैं तब भी नहीं मारती आपको। चलो आपको मैं ही मिली थी प्रैंक कॉल करने के लिए। अच्छी बात है, कंटिन्यू। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, फिर मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ सबा। ओके 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 बाय। ओके ओके तो ये थी सभा जो मुझे चोनू बुलाती है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा वो सिर्फ इतना ही रहेगा, उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया हो और आपने एंजॉय करा हो इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी से 1 मिलियन करा दें मेरा। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।